अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वही है, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स सी का। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। जिस तरह हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसका एक फार्मूला है, ये मैट्रिक्स सी है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इस तरह लिखते हैं, यानी कि सी रेज टू पावर माइनस वन। तो ये शो करता है कि ये सी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इसका फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सी। स्टूडेंट्स, जिस तरह मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये जो इन ब्रैकेट लिखा हुआ है इफ़ इट एग्जिस्ट्स, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है कि अगर ये एग्जिस्ट करता है तो उसको फाइंड आउट करें। तो अगर तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इज इक्वल टू जीरो आ जाता है तो फिर इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। मीन टू से कि जो सिंगुलर मैट्रिसेस हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका हम पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू, इसमें हम क्या करेंगे, एडजॉइंट में के जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे, माइनस नाइन माइनस टू, और ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनके साइन चेंज करेंगे, तो माइनस सिक्स एंड माइनस थ्री। ये तो मैट्रिक्स सी का एडजॉइंट आ गया। अब हम मैट्रिक्स सी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। माइनस टू सिक्स थ्री माइनस नाइन, तो इसका डिटर्मिनेंट जो डायगोनल एंट्रीज हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगी, माइनस टू इंटू माइनस नाइन, दरमियान में साइन माइनस का आएगा, ये डायगोनल एंट्रीज भी मल्टीप्लाई होंगी, थ्री इंटू सिक्स, तो माइनस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, नाइन टू ज़ा एटीन, माइनस थ्री सिक्स ज़ा एटीन, तो एटीन माइनस एटीन ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स, इसमें देखें मैट्रिक्स सी का जो डिटर्मिनेंट है वो इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो इसका मतलब है जो मैट्रिक्स सी है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स मैट्रिसेस जो होते हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम कह सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स सी जो है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, कैसे, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसलिए इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सो हम लिखेंगे हैंस मैट्रिक्स सी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि सी रेज टू पावर माइनस वन, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।